मगर उसकी हरकतों की वजह से सब उसे आलसी राम कहा करते हैं। सारा दिन आराम करना ही उसका एकमात्र काम है। रोज की तरह वो आज भी अपने सोफे पर बैठे बैठे सुस्ता रहा है कि तभी उसे दरवाजे पर कुछ शोर सुनाई दिया। सुबह सुबह कौन भीख मांगने आ गया? खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो सो जाता हूँ। इतना कहकर आलसी राम मुंह पर चादर ओढ़े सो गया कि तभी किसी ने जोर से उसके मुंह से चादर खींची। कानों में मैल जम गया है या पैरों में मेहंदी लगी हुई है? जाकर देखते क्यों नहीं दरवाजे पर कौन आया है? ये है शांति राम उर्फ आलसी राम की पत्नी कमला। दरवाजा कितनी दूर है? मुझसे इतना नहीं चला जाता, तुम ही जाकर देख लो कौन है। कमला अपने पति के आलसी स्वभाव से काफी परेशान थी। उसने जाकर देखा तो पता चला गांव के कुछ लोग आलसी राम को दिया अपना उधार वापस लेने आए हैं। भाभी जी, आप उस आलसी राम को बुला दीजिए, वरना मजबूरन हमें आपके घर में घुसना पड़ेगा। ये सुन जैसे तैसे धीमे धामे आलसी राम वहाँ आया। इस तरह सुबह सुबह किसी के घर मांगने जाना अच्छी बात है क्या? तुम्हें हमसे पैसे लिए 2 साल से ज्यादा हो गया है, ब्याज तो छोड़ो, आज तक तुमने हमारा मुंह तक नहीं लौटाया है। तो मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारे पैसे सूद समेत तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। आया बड़ा मुंह पर मारने वाला, तो जैसे आलसी इंसान के हाथ में लक्ष्मी कभी आएगी ही नहीं। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो तुझसे कभी नहीं हो सकती है। इस तरह आलसी राम अपने आलसी स्वभाव की वजह से पूरे गांव में बदनाम था। गांव वालों के जाने के बाद आलसी राम फिर से टीवी के सामने पसर गया। तुम जैसे आलसी इंसान के साथ शादी कर तो मेरी किस्मत ही फूट गई। घर में खाने को अनाज नहीं है, लेकिन इस आदमी को जरा भी फिक्र नहीं है। तुम तो जानती हो कमला, ये कमाना वमाना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे मेहनत नहीं होती है। होगी भी कैसे, सारा दिन तो बस टीवी देखने में निकल जाता है। और ये क्या, तुम टीवी पर समाचार कब से देखने लगे? अरे मैं समाचार नहीं देख रहा था, वो तो दरअसल टीवी का रिमोट मुझसे दूर रखा था, इसलिए मैंने चैनल नहीं बदला, और जो चल रहा था वही कब से देख रहा हूँ। की बार तो जैसे कमला ने अपना माथा पीट लिया। गुस्से के मारे वो अंदर आई और घासलेट लेकर आ गई। अरे कमला, ये घासलेट किस लिए लेकर आई हो? तुम्हारे आलसीपन की सबसे बड़ी जड़ ये टीवी है, आज मैं इस टीवी को ही आग लगा दूंगी। अरे नहीं नहीं कमला, ऐसा मत करना, तुम्हारे ऐसा करने से हमारा पूरा घर जल जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे? आप चाहे कुछ भी हो, मगर आज मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। कहकर कमला ने घासलेट के डिब्बे का ढक्कन खोल दिया। अरे रुक जाओ कमला, रुक जाओ, तुम जैसा बोलोगी जो बोलोगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, पर भगवान के लिए इस टीवी में आग मत लगाओ। ठीक है, तो मैं एक शर्त पर ऐसा नहीं करूँगी, तुम आज ही गाँव जाकर गाँव में किसी भी जगह नौकरी ढूँढोगे और रोज सुबह शाम मेहनत करोगे। याद रखना, अगर शाम तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो इस डिब्बे के अंदर का घास ले टीवी पर नहीं तुम पर डालूंगी। आलसी राम दौड़ते हुए घर से बाहर आ गया और चलते चलते वो खुद से बोला, नहीं आता है कि मैं काम मांगने किसके पास जाऊं। चलते चलते आलसी राम अपने गाँव के बाजार में आ गया, जहाँ उसे एक मिठाई की दुकान दिखी। वहाँ एक बोर्ड लगा था, काम करने के लिए एक होनहार और मेहनती आदमी की आवश्यकता है। ये पढ़कर आलसी राम अपने मन ही मन बोला, लगता है इस गांव में नया आया है, इसे उल्लू बनाना काफी आसान होगा। सुनो भाई, मैंने सुना है तुम्हें एक आदमी की तलाश है जो तुम्हारी दुकान पर काम कर सके। हाँ, क्या तुम ऐसे किसी आदमी को जानते हो? लो ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, एक हट्टा कट्टा मेहनती इंसान खुद तुम्हारे सामने खड़ा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो क्या, मेरे जैसा मेहनती आदमी तुम्हें पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है,
मुझे तुम्हारे जैसा ही कोई मेहनती आदमी चाहिए जो मेरी दुकान पर काम कर सके। और बस इसी तरह आलसी राम को एक नई नौकरी मिल गई। आलसी राम अभी दुकान में बैठा हुआ था कि तभी उसका सेठ बल्लू बोला, अच्छा सुनो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तब तक तुम दुकान का अच्छे से ख्याल रखना। बल्लू के जाते ही आलसी राम टेबल पर सर रख कर सोने लगा। भैया जी, मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे? एक औरत की आवाज आलसी राम के कानों में पड़ी, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने बिना सर उठाए ही कहा, क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो? परेशान नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे दुकान की ग्राहक हूँ। मोतीचूर के लड्डू लेने आई हूँ। हमारे यहाँ कोई लड्डू नहीं है, आलसी राम ने कहा। औरत ने दुकान में काउंटर पर रखे लड्डू देखे और बोली, अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, ये तो रखे हैं लड्डू। अब की बार आलसी राम ने अपना मुंह उठाया और बोला, हाँ जानता हूँ लड्डू है, पर उसे देने के लिए मुझे उठना पड़ेगा और मेरा उठने का मन नहीं है, इसलिए तुम किसी और दुकान से लड्डू ले लो। अरे आलसी राम, तुम जैसे आलसी को किस पागल ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया? आलसी राम और औरत के बीच की सारी बातें बल्लू ने खड़े खड़े सुन ली। बल्लू आलसी राम पर जोर से भड़कते हुए बोला, मूर्ख आदमी, तुम पागल हो क्या? लगता है तुम मेरी दुकान बंद करवाएगा। अरे सेठ जी, आप कब आए? सेठ जी के बच्चे, तुझे मैंने अपनी दुकान में सोने के लिए रखा है या काम करने के लिए? दुकान में आप भी तो हैं, आप भी तो काम कर सकते हैं। इतनी छोटी सी दुकान में दो दो लोग के काम करने की? मैं तेरे जैसे आलसी आदमी को एक सेकंड भी अपनी दुकान में खड़ा नहीं रखना चाहता। जिसका डर था वही हुआ। पहले दिन ही आलसी राम की नौकरी उसके हाथों से चली गई। कमला को जब सारी बात पता चली तो वो आलसी राम से बोली, हे भगवान, मुझे तो लगता है इस आदमी पर कोई भूत प्रेत का साया है, कोई बात इन्हें समझ में आती ही नहीं है, मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो मैं इस घर में आई। कहते हुए कमला रोने लगी। अगले दिन कमला ने अपने पिता चुन्नी लाल को घर बुलाया और उन्हें आलसी राम की सारी बात बताई। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम गुजारा कैसे करेंगे पिताजी? तू चिंता मत कर बेटी, मेरे पास एक चाल है जिसकी मदद से दामाद जी का सारा आलसीपन एक बार में निकल जाएगा और दूसरे आदमियों की तरह वो भी बहुत मेहनती बन जाएंगे। अच्छा, कैसी चाल? उसके बाद चुन्नी लाल ने कमला को अपना सारा प्लान बताया। अगले दिन कमला पौधे में पानी डाल रही थी कि तभी उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से काले कपड़े में कुछ गुंडे उतरे जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। उन्होंने कमला को पकड़ा और अपने साथ गाड़ी में बिठाने लगे। गुंडों ने कमला को अपने साथ गाड़ी में बिठाया। तभी आलसी राम अपने घर से बाहर निकला और कमला को देखते ही घबरा गया। अरे कौन हो तुम लोग और मेरी कमला को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो उसे। आलसी राम तेज भागते हुए गाड़ी तक आया, मगर गाड़ी चल पड़ी। गुंडे ने गाड़ी की खिड़की से एक पर्ची बाहर फेंकी। आलसी राम ने जाकर वो पर्ची उठाई और उसे पढ़ने लगा। अगर अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो नीचे दिए गए पते पर 10,000 रुपए भेज दो। पैसे भेजने के लिए तुम्हारे पास 7 दिन की मोहलत है, और अगर पुलिस के पास जाने की सोची तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। धमकी पढ़ते ही आलसी राम डर गया। मुझे जल्द से जल्द 10,000 रुपयों का इंतजाम करना होगा, नहीं तो। आलसी राम बिना समय गवाए गांव के सबसे बड़े व्यापारी दिनेश लोखंडे के पास पहुंचा। अरे आलसी राम, क्या बात है भाई, आज सूरज कहां से उगा है? गांव का सबसे बड़ा कामचोर आज मेरे यहां आया है। मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे अपने पास काम दे दीजिए। आलसी राम की बात सुनते ही लोखंडे हंसने लगा। लगता है अब तुमने लोगों को हंसाने का काम शुरू किया है, किसी सर्कस वर्कस में जाने का इरादा है क्या? अरे भाई क्यों मजाक करता है, तू
और काम करेगा। मालिक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे याद है, मैंने इससे पहले भी तुझ पर भरोसा करके तुझे काम पर रखा था और तूने बहुत मक्कारी की थी। अब की बार मैं तुझ पर भरोसा नहीं करने वाला हूँ। इतना कहकर लोखंडे वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद जब लोखंडे दोबारा अपने कारखाने आया तो उसने देखा कि कारखाने की सारी लकड़ियाँ सही तरह से अरेंज करके रखी हुई है। ये देखकर वो काफी हैरान हो गया। ये सब किसने किया? लोखंडे ने एक नजर आलसीराम की ओर देखा। आलसीराम, ये सब कुछ तूने किया है क्या? आलसीराम ने हाँ में सर हिलाया। लोखंडे को यकीन नहीं हुआ कि ये चमत्कार कैसे हो गया। लगता है तुम तो सच में मेहनती हो गए हो। इतना सारा काम तुमने अकेले ही कर दिया। लोखंडे ने आलसीराम को अपने कारखाने में नौकरी पर रख लिया और 7 दिन के बाद उसे उसका मेहनताना दिया, पूरे 15,000 रुपए। आलसीराम जल्दी से पैसे लेकर पर्ची पर लिखे पते पर पहुंच गया। आलसीराम जब वहां पहुंचा तो कमला को उसके पिता चुन्नीलाल के साथ देख काफी हैरान हुआ। कमला, तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। ये देखो, मैं ये पैसे लेकर आया हूँ। ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। आंखों में आंसू आ गए। आलसीराम को मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब चुन्नीलाल ने उसे सब कुछ बताया कि किस तरह कमला को किडनैप करने का प्लान उसी का था। क्या पापा जी, आप भी? मगर ये सब आपने क्यों किया? ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें एक आलसी पति से एक जिम्मेदार पति बनाना चाहता था। तुम अपना आलसी स्वभाव को छोड़कर मेहनत करना शुरू करो और देखो तुम सुधर भी गए। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ कमला। और हाँ, अब मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है। अब से मैं रोज मेहनत करूँगा और जितने पैसे अभी कमा। अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी मालती और एक बेटा गुड्डू है। घर चलाने के लिए गंगाराम एक ही किराने की दुकान पर 2 साल से काम कर रहा है। 2 साल से उसके मालिक ने उसका पगार नहीं बढ़ाया था। आज गंगाराम मालिक से फिर से पगार बढ़ाने की बात करता है। मालिक, जितना पगार आप देते हो उससे घर का गुजारा तो हो जाता है, पर गुड्डू के स्कूल का पैसा, मालती के गिरवी रखे गहने, ये सब के लिए पैसा बचता ही। तुम्हें अगर ज्यादा पगार चाहिए तो शहर चले जाओ, वहाँ मॉल है, घंटों के हिसाब से पगार मिलेगा, जाओ। क्यों मजाक कर रहे हो मालिक, शहर आने जाने में 4 घंटे लग जाते हैं। तो का तुम्हें सब थाली में परोस के दूं? दिमाग मत खराब करो, पगार उतना ही मिलेगा। काम करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो। गंगाराम अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर घर चला जाता है। गंगाराम के घर पर मकान मालिक आए होते हैं भाड़ा लेने के लिए। अरे अब तो आधा घंटा हो गया है, कब आएगा गंगाराम? मालती जी, मुझे और भी बहुत काम है। आते ही होंगे, थोड़ी देर और रुक जाइए। गंगाराम घर के बाहर से सारी बातें सुन रहा था। मकान मालिक को भी अभी आना था? हे भगवान, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? जब तक ये जाता नहीं मैं यहीं छुपा रहता हूँ। गुड्डू बाहर देखता है तो उसके बाबा वहीं पर छुपे होते हैं। गंगाराम मुंह पर उंगली रखकर गुड्डू को चुप रहने के लिए कहता है। मम्मी बता दो क्या, यहीं छुप के खड़े हैं क्या? अरे हाँ, ये देखो। वाह भाई वाह, गंगाराम थोड़ी भी शर्म नहीं आई? आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ चोरों की तरह छुपे हो। अरे नहीं नहीं, अरे मैं खुद अभी यहाँ आया हूँ। अरे और कितना झूठ बोलोगे, कम से कम गुड्डू के सामने तो झूठ मत बोलो। लाओ मेरे घर का भाड़ा लाओ। अरे मुझे जरूरी काम है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या, अरे तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म नहीं है? मेरे पास पैसे थे पर गुड्डू बीमार हो गया था, उसी के दवा दारू में पैसे चले गए। अरे मर क्यों नहीं जाते तुम लोग, कम से कम मेरा घर तो मुझे मिल जाएगा। कल पैसे दे देना, नहीं तो मेरा घर खाली कर दो। गंगाराम की कमाई कम थी और खर्चा ज्यादा। हर दूसरे दिन कोई ना कोई पैसे मांगने के लिए उसके घर पर आ जाता। हर तरफ से गंगाराम परेशान था। उसी रात गंगाराम आत्महत्या करने की कोशिश करता है। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में जहाँ इतनी परेशानी हो, मैं मर जाऊंगा। गंगाराम स्टूल पर खड़ा हो जाता है, अपने गले में रस्सी डालता है। जैसे ही गंगाराम अपने पैर से स्टूल को हटाने की कोशिश करता है, वैसे ही बल्ब की लाइट बंद चालू होती है और पूरा परिवार बल्ब के अंदर समा जाता है।
बल्ब की दुनिया में आते ही हर एक चीज की बनावट बल्ब जैसी होती है, घर की बनावट, गाड़ियों की बनावट, पर वहाँ पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। अरे बाप रे, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ कैसे आ गए? हमारा घर और हमारा गांव? अरे मुझे भी नहीं पता हम कहाँ, किससे पूछें? तभी एक साधु सफेद कपड़े में वहाँ आता है। ये बल्ब की दुनिया है, जो इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान होके मरने की कोशिश करता है वो यहाँ आता है। ये रही तुम्हारी घर की चाबी। साधु जी, इस घर का भाड़ा कितना होगा? मेरे पास भाड़ा देने के लिए एक रुपया भी नहीं है। सब कुछ फ्री है, तुम्हारे पीछे तुम्हारा घर है, घर में जाओ और जो भी चाहिए वो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बल्ब का घर बाहर से बहुत छोटा था, पर अंदर जाते ही बहुत बड़ा घर बन जाता है। सोफा, टेबल, बड़ा सा टीवी, सब कुछ वहाँ था। मालती, मुझे बहुत भूख लगी है, काश की चिकन बिरयानी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। गंगाराम के ऐसे कहते ही अपने आप चिकन बिरयानी आ जाती है। गुड्डू पिज्जा मांगता है, सब अपनी अपनी पसंद का खाना खाते हैं। इसके बाद मालती सोने का हार मांगती है, गुड्डू बहुत सारे खिलौने मांगता है। उन्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा था, उनकी जिंदगी खुशियों से बीत रही थी। पर कुछ ही दिनों में पूरा परिवार बल्ब की दुनिया से ऊब जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता, मैं तो यहाँ खाना भी नहीं बना सकती। माँ, यहाँ मेरे पास खेलने के लिए दोस्त भी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं भी ऊब गया हूँ, ना कुछ करना पड़ता है, ना कुछ सोचना, बस पड़े रहना। ये भी कोई जीवन है? इससे अच्छा तो पहले परेशानी वाला जीवन था। हाँ, कम से कम हम वहाँ जी तो रहे थे, यहाँ तो बस समय काट रहे हैं। चलो उस साधु से बोलकर वापस चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं। साधु जी, हमें वापस उसी दुनिया में भेज दो जहाँ से हम आए हैं। यहाँ करने के लिए कुछ नहीं। साधु बाबा, मेरे पास खेलने के लिए बहुत खिलौने हैं और दोस्त नहीं है, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। आखिर तुम्हें समझ आ गया गंगाराम, तुम परेशानियों से बचने के लिए मरना चाहते थे, पर देखा कि परेशानी के बिना जीवन कितना खाली है। हाँ महाराज, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप हमें वापस भेज दीजिए। ठीक है गंगाराम, जैसी तुम्हारी इच्छा। साधु जी जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। अचानक से तीनों अपने घर लौट आते हैं। सब